आप देख सकते हो अजमेर शिव दरगाह पे उर्स मेले पे फूलों की चादर हैदराबाद से चलकर आ चुकी है। देख सकते हो साल की तरह साल भी मस्तान मलंग लोगों का टोला आ चुका है अजमेर दरगाह का चुका है। देखिए ये तलवार आर पार कर ली है भाई ने कुछ इस तरीके से। दरगाह में कुछ इस तरीके से जारी ने ख्वाजा खासी तादाद में आए हुए हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो नासिक के ढोल वाले हर साल की तरह इस साल भी अपने सर पे बोतल रख के करतब दिखा रहे हैं ढोल बजा के। मतलब आप कितने साल से अजमेर शरीफ दरगाह पे आ रहे हैं? 50 साल। आप इतना खूबसूरत ये क्या बोलते कला करते हैं ये आप लोगों ने कहाँ से सीखा? بسم الله الرحمن الرحيم तो देखिए मैं अभी दरगाह बाजार में वीडियो ही बना रहा था माशाल्लाह जो हमारी चाची जान हमें मिल चुके बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखते हैं इनका तहे दिल से शुक्रिया पूरी वीडियो देखते हुए मेरी सद्दाम के पास रुके हो क्या? अच्छा वीडियो शेयर करते रहिएगा बस सर पे हाजी आप लोगों को। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक चादर आ रही है आप लोगों को दिखाते हैं कैसा क्या माहौल है अजमेर शरीफ का। ये देखिए thank you.
तलवार चाकू अंदर डालती है यार। आप देख सकते हो बाबा मस्तान लोगों को दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। ये देखिए मस्तान मलंग लोग हर साल, तो देखिए आप वहाँ पे चादर आई है, चादर देखते हैं किनकी जानिब से चादर आई है। हर साल की तरह इस साल भी देखिए अली मोला बेशक तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ अजमेर शरीफ दरगाह का उसे स्टार्ट हो चुका है। ये चादर शरीफ कहाँ से आई है? तलवार आर पार कर ली है भाई ने कुछ इस तरीके से सम्मान। हैदराबाद वालों की तरफ से यहाँ पे चादर आ चुकी है। बहुत बहुत बढ़िया, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। हाँ ब्लॉग में आ रहे हो? हाँ ले लो। तो आप देख सकते हो मैं अजमेर शरीफ दरगाह पे हूँ। माशाल्लाह हमें हमारे भाई सब्सक्राइबर मिल गए। हमारी वीडियो को देखिए कहाँ से आप लोग? हम तो वीडियो पर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। अब हर एक वीडियो देखिए कहाँ से आप लोग? हम लोग छत्तीसगढ़ से। आपका दो दिन पहले वीडियो देख चुका हूँ। अच्छा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आप? अच्छा मिस्टर खान अजमेर। मिस्टर खान अजमेर बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हो? अच्छा कर्नाटक से। आपके अच्छा
छोटी सी हाजत, अरे दे देवे अपने माँ बाप का खत्ता, मिलावे हाथ और बन जाए उसकी बात, और कोई 10-20 हजार का सवाल नहीं, एक छोटा सा सवाल। अरे मेरे ख्वाजा के आस्ताने में एक रानी बेवा सवाल पूरा कर देवे, मेरे ख्वाजा के दरबार में अरे कोई 10-20 हजार नहीं मांगा, एक छोटा सा सवाल है, मिलावे हाथ, अरे बन जाएगी तेरी बात, मिला ले हाथ, ये मेरे ख्वाजा का दरबार है बेटा। और एक चीज आपको बता दूं, बाहर जो सवाली सवाल कर रहा था तो वहाँ पे वो 10-20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए नहीं लेता, जो सवाल होता है वही सवाल का ही पैसा लेता है। तो कुछ इस तरीके से अजमेर शेख दरगाह पे हर रोज सवाली सवाल करते हैं। और अब हम लोग चलते हैं महफिल के अंदर, कैसे महफिल हो रही वो दिखाते हैं। बता दीजिए शेख दरगाह में
आप देख सकते हो मैं दरगाह शरीफ में हूँ और कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है माशाल्लाह। तो आज हम लोग अजमेर शरीफ दरगाह पे ये बताएंगे कि भाई किस तरीके से सब जगह से चादरें आ रही हैं और कैसा माहौल है वो। जारीन ख्वाजा खासी तादाद में आए हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी कवाली चल रही है, देख सकते हो यहाँ पर भी कवाली चल रही है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी कवाली हो रही है माशाल्लाह, और यहाँ पर भी कवाली चल रही है, और अभी आगे भी दिखाते हैं, आगे भी कवाली चल रही है आज पूरी रात, और इसी तरीके से उर्सों में कवाली चलेंगी। देखिए ये देखिए ये देखिए यहाँ पे शुरू होने वाला है, ये शुरू है। जैसे कि आप देख सकते हो गुसल की रात है और यहाँ पर गुसल दिए जाते हैं, 6 गुसल दिए जाते हैं आप देख सकते हो। तो यहाँ पे दरबारे गरीब नवाज की चौखट पे खादी मजरात जा रहे हैं, देख सकते हो सारे खादी मजरात अभी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं अंदर। और जारीन ख्वाजा में संदल बटता है वो भी आपको मैंने बताया था। तो आप देख सकते हो अजमेर दरबार में हर साल की तरह इस साल भी
यहाँ पर नासिक वाले आ चुके हैं, ये ढोल बहुत शानदार बजाते हैं और यहाँ पर रौनक को क्या बोलते हैं, जो जारी ने ख्वाजा आते हैं उन लोगों को बढ़ा देते हैं। तो चलो चलते हैं, अभी बात करते हैं, इनसे इंटरव्यू लेते हैं। Thank you.
हर साल की तरह इस साल भी हमारे ढोल वाले भाईजान आ चुके हैं। जी ये ढोल कहाँ का है आप लोगों का? नासिक का ढोल है। तो मतलब आप कितने साल से अजमेर शरीफ दरगाह पे आ रहे हैं? 50 साल। मतलब ये कि गरीब नवाज की बारगाह पे आप आते हैं और इसी तरीके से ढोल बजा के लोगों का मन हाँ करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या होगा आपका? आप इतना खूबसूरत ये क्या बोलते कला करते हैं, ये आप लोगों ने कहाँ से सीखा ये सब? हमारे बचपन से नासिक से बचता है। अच्छा, 50 साल के ऊपर हो गया बाजा। आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? नंबर क्या है आपका? 9593 जी। 222 जी। 3। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करते रहिए। हाँ, अच्छा महाराष्ट्र। हाँ मेरा बढ़िया बढ़िया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर हमें मिल गए, हमारे वीडियो को देखते हैं, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। पीछे चलो, पीछे चलो। माशाल्लाह, मेरी वीडियो को देख के सब्सक्राइबर सपोर्ट करते हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया। इधर 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 रहे यार, पूरे सब्सक्राइबर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मालेगांव से हो? वीडियो मेरे साथ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। ये हमारे भाई झारखंड वाले, ये भी हमारे वीडियो को देखते हैं, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। आप कहाँ से? वालेकुम सलाम। तुम कहाँ से हो? तमिलनाडु से आया। तमिलनाडु से, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अरे कोलकाता वाला ही आया। कोलकाता, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली मैं ढाई दिन के झोपड़े वाले रास्ते पे आ चुका हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पुलिस प्रशासन के साथ में, आप देख सकते हो मसाल लेकर के दरबार गरीब नवाज पे जो दरगाह के दीवान है वो जा रहे हैं। देख सकते हो कुछ इस तरीके से दरबार गरीब नवाज पे माहौल होता है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। और गरीब नवाज की बारगाह पे खासी तादाद में ज़ायरीन ख्वाजा आ रहे हैं और यहाँ पर उर्स को मना रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत प्यारा मंजर है उर्स। तो बस यही कहूँगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर देना ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे।